नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं स्वाति। एक युवक काली नृत्य करते हुए बुरी तरह झुलस गया। झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के अनूपपुर की सीमा में लगे गांव जाम गांव में 4 अक्टूबर दुर्गा नवमी की रात में कालीन नृत्य करते समय एक युवक झुलस गया है, जिसका उपचार चल रहा है। जाम गांव से लगे सिमरिया तिराहे के पास हर साल की तरह इस वर्ष भी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा दुर्गा जी की प्रतिमा रखी गई है। नवरात्रि के दिन यहां 3 लोगों के द्वारा कालीन नृत्य किया जा रहा था। अचानक खपड़ रखकर कालीन नृत्य कर रहे युवक गुड्डा पुत्र सुरेश मेहरा 38 वर्ष इसकी चपेट में आ गया। कुछ पल में आग इतनी तेजी से बढ़ी कि युवक देखते ही देखते बुरी तरह झुलस गया। यह देखकर आसपास बैठी भीड़ युवक को बचाने की बजाय वहां से भाग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद कुछ युवक आगे बढ़कर आए और गुड्डा को किसी तरह से बचाया गया और आग पर काबू पाया गया। गंभीर हालत में अनूपपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का उपचार जारी है। जहां घटना हुई वहां से अनूपपुर जिले की सीमा लगी हुई है और अनूपपुर जिला अस्पताल नज़दीक भी है, इसलिए लोगों ने उसे रात में ही जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खप्पर की आग बहुत तेज थी और काली बने युवक के ऊपर बाल से ऐसी लगी, देखते ही देखते बुरी तरह झुलस गया। अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है और युवक 50% से अधिक जल चुका है।